गुड आफ्टरनून एवरीवन, वॉइस क्लियर है मेरा? ओके 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 ये बताओ मेरे को, हम लोग लास्ट टॉपिक, हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में थे तो वहां पे हमारा लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों, ये बताओ। सिलेशिया मूवमेंट। यस सर, सिलेशिया मूवमेंट तक पढ़ा दिए थे। सिलेशिया मूवमेंट तक मैंने वर्कआउट करा लिया था, ठीक है। ओके मतलब मैंने हंगर हार्डशिप ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 1830 ये टॉपिक डील कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद हार्डशिप ऑफ यूरोप जो हम लोगों ने डील किया था, इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था इस पर फोकस करना। नेक्स्ट टॉपिक जो था सिलेशिया वॉर के बाद रोमांटिक इमेजिनेशन, हम लोग को बात करना है रोमांटिक इमेजिनेशन। इमेजिनेशन अब देखो स्टूडेंट कहने का पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से आप लोग समझ रहे हो क्या, इसकी बहुत सारे आपके क्रांतिकारी जिससे महात्मा गांधी भी हमारे देश में, अगर ले लो तो महात्मा गांधी, हमने देख लिया कि महात्मा गांधी को इफ यू विल कंपेयर महात्मा गांधी विद भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, देन यू विल गेट अ वेरी बिग गैप बिटवीन। सर आवाज आपकी कुछ अलग आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मेरी? एवरीबॉडी यस सर आ रही है सर, लेकिन माइक एडजस्ट कर लीजिए, माइक एडजस्ट कर लीजिए सर। ठीक ओके ओके वेट, चलो अब मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? यस सर। आपको दिक्कत नहीं? नो प्रॉब्लम? नो सर। ओके ओके लेट्स गो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि हमारे देश के भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो दे बिलीव इन नॉन वायलेंस, जो नॉन वायलेंस के ऊपर विश्वास करते थे, वो विश्वास करते थे कि जस्ट टू ब्रिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नहीं आ रही आवाज? ओके स्टूडेंट्स एवरीबॉडी इज गेटिंग माय वॉइस क्लियरली नाउ? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके 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 वेरी गुड। ओके तो हम लोग कहाँ पे थे, मैं आपको बता रहा था कि टुडे वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सोशल साइंस, और जो चैप्टर तो आपका यूरोप चल रहा है उसका इंपॉर्टेंट है रोमांटिक इमेजिनेशन की बात। तो मैं आपको बता रहा था कैसेस, मैं आपको बता रहा था कैसेस कि सपोज करो कैसेस की बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन लोगों ने यूज किया मसल्स पावर एंड फोर्स, मतलब दे बिलीव इन मसल्स पावर एंड फोर्स की बाय फोर्स दे had to chase catches, मतलब कि unequal measurement which were just available inside their country. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अलग तरीके से इस movement और revolution को देख रहे थे, उनका target था कि नहीं हमेशा violence का use आप नहीं कर सकते किसी भी के against में, आपको क्या use करना पड़ेगा, कुछ non-violence peaceful तरीके से भी आप demonstrate कर सकते हो और उसके बाद protest कर सकते हो जिससे कि, और request कर सकते हो अपने जस्टिस को पाने के लिए। तो उसमें से ही एक बंदा ये निकल गया है रोमांटिक इमेजिनेशन का पॉइंट है, तो इसमें आई गॉट फ्राइड हेडर, जॉन गॉट फ्राइड हेडर। जॉन गॉट फ्राइड हेडर ठीक है, ये जर्मनी के, जर्मन जर्मनी नाम सुना है, जर्मनी के ये फिलोसफर थे, ठीक है, जर्मनी के ये फिलोसफर थे। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दे रखा था ध्यान देना, इनका स्टेटमेंट क्या था, इनका स्टेटमेंट था बस सिंपल सा क्या चीज कि रियल कल्चर, रियल कल्चर कुड बी सीन इन द मिडिल क्लास, अपने कल्चर ट्रेडिशन से दूर हटते चले जाते हैं। बिकॉज कल्चर देखो, कहने वाले ने कहा कि अगर आप कल्चर के साथ रहोगे तो डेवलपमेंट का साथ छोड़ना पड़ेगा, और डेवलपमेंट के चक्कर में रहोगे मतलब साइंटिफिक वर्ल्ड में भागोगे तो कल्चर और ट्रेडिशन से थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो गॉडफादर हेडर का स्टेटमेंट है कि रियल कल्चर जो है वो कहां पे देखने को मिलेगा, इन द मिडिल क्लास,
मतलब वैसे लोग जो ग्रामीण है, जो गांव में रहते हैं, मिडिल क्लास, सुलेख, इन द कंट्री साइड, जो गांव की तरफ रहते हैं, उनके पास आइए, उनसे देखिए, उनसे सीखिए क्या करिए, क्या लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है। और ये जो कॉमन पीपल थे, जो मिडिल क्लास, जो कॉमन पीपल है, ध्यान देना, ये कॉमन पीपल जो थे कहां के, ऑफ जर्मनी, इन्हीं को कहा गया दास बॉल। दास बॉल मतलब ये एक वर्ड यूज किया गया, ध्यान देना। एक आज से 2-3 साल पहले एग्जाम जब चेंज का हुआ था तो उसने क्वेश्चन पूछा था ये ऑब्जेक्टिव कि द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी वर कॉल्ड, अच्छा ऑप्शन दिया था उसने, आपने आंसर क्या बताया उसने, तो ये किसने करा, गॉटफ्राइड हर्डर ने ये नाम दिया। तो उसने बोला कि भाई वास्तव में अगर जर्मनी का कल्चर देखना है, उसके ट्रेडिशन, उसके सभ्यताओं को देखना है, तो आप कॉमन पीपल के पास जाइए, जो हाई लेवल पे ऊंचे ओहदे के लोग हैं उनके पास जाने से आपको जो प्रॉफिट नहीं होने वाला है। दूसरा इन्होंने कुछ स्टेप भी बताया कि लोगों के अगर सेंटीमेंट, लोगों के अंदर अगर राष्ट्रवाद की भावना जगानी है, इफ यू वांट टू रेज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग ईच एंड एवरीवन, देन डोंट टॉक अबाउट हियर एंड देयर, डायरेक्टली टच देयर सेंटीमेंट, उनके सेंटीमेंट पे अटैक करो और उसके थ्रू क्या करो, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाओ। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला था कि किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यूज folk music, folk dance, stories, to touch the sentiment, this the sentiment of common people. क्रांतिकारियों ने क्या करा, क्या करा, केवल हथियार का यूज करा। 10th चैप्टर में जो 3rd चैप्टर नेशनल इंडिया पढ़ा, उसके अंदर लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक ही है कि कलेक्टिव आइडेंटिटीज को हमारे देश में कैसे लाया गया। तो इसके लिए आपने क्या देखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि उन्होंने क्या लिखा, वंदे मातरम लिख दिया, महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग बना दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, भारत माता के पिक्चर को, इमेज को पेंट कर दिया। और ये सब पॉइंट लाके टैगोर के सामने, सपोज करो अगर आपसे मैं बोलूं डायरेक्टली, चलो चलो बॉर्डर पे चलो, बॉर्डर पे चलो, इस कंट्री के अगेंस्ट अपने देश के लिए लड़ना है, एनीवन हु विल बी प्रिपेयर्ड, जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, बिकॉज उसके सेंटीमेंट को भी टच नहीं किया गया है। और जैसे उसके सेंटीमेंट को टच कर दिया जाएगा, वो समझ जाएगा भाई देश है और हम लोग उस देश के नागरिक हैं, तो ये हमारा इट्स आवर ड्यूटी टू स्टैंड ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और इन दैट केस यू विल गो टू द बॉर्डर, बॉर्डर पे जाओगे। तो इन्होंने भी बताया था कि ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, और किसी के ऊपर फोर्स मत करो, दबाव मत करो, भाई तुम नेशनलिज्म का मतलब समझो, अगर सपोज करो आपके ऊपर मैं फोर्स कर बोला मेरा गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, तो बाई फोर्स आप यहाँ पे अगर डर के गुड मॉर्निंग बोल भी देते हैं तो बैक पे क्या करोगे, नहीं है। तो कहने का मतलब आप अपने न्यूज पेपर पे वर्कआउट करो, कि लोगों के ऊपर होता ना कि कहा जाता है कि रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज अर्न। तो यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म कुड नॉट बी फोर्स इन साइड ए कंट्री, नेशनलिज्म दिस वर्ड हैड टू बी डिस्कवर्ड by using gases, ये folk music, folk dance, stories, अगर अगर वाले की जो चीजें, इन सब चीजों को यूज कीजिए और यूज करके उनके अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना जगाई, वो खुद स्टैंड हो जाए कि नहीं अपने देश के लिए हम खड़े हैं। दबाव सुने by touching their sentimental point, उसको टच करके उनको स्टैंड करें, प्रिपेयर करिए, नहीं है उनको देशभक्त बनाइए। तो ये था गॉटफ्राइड हर्डर का पॉइंट, एनी कंफ्यूजन। गॉटफ्राइड हर्डर, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो थे वो जर्मनी के फिलोसोफर थे, उनका स्टेटमेंट था कि आज उन्होंने अपने देश के कॉमन पीपल को दास बोल कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर जर्मनी में अगर वास्तव में रियल कल्चर को देखना है तो हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, नीचे लेवल पे जाएंगे, वहां पे जाके देखिए, वहां पे आपको रियल कल्चर ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। और इन्होंने इस चीज को बोल कि अगर उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगानी है तो उनके ऊपर फोर्स का यूज नहीं कर सकते आप। सर दास वो क्या है,
दास वोल्ट मतलब कॉमन पीपल, जैसे कॉमन पीपल थे ना जर्मनी के जो साधारण, अरे जैसे मैं आपके देश में जो मिडिल क्लास है ना, लोअर का जो गरीब है उनको लोअर क्लास, जो ऊंचे लेवल पे उनको हाई क्लास, इस तरीके से कहा गया। आपके देश में जिस तरीके से कैटेगराइज किया गया आपके सोसाइटी को, सेम वहां पर बताया गया उन लोगों की जो कॉमन पीपल है उनको दास वोल्ट बोला गया, जो ऊंचे होते उनको रेस्ट्रिक्टेड बोला गया, इस तरीके से उन लोगों ने अलग अलग तरीके पर डिविजन करा। तो गॉटफ्राइड हर्नर ने बोला था कि वह जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश के लोग जिनके अंदर राष्ट्रवाद मतलब जो देश मतलब के होता है जो रिलीजियस लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, सेंट कहा जाता है, साधु सन्यासी कहा जाता है, पंडित जी ये पूजा पाठ करते हैं पंडित जी में, तो उस तरीके से वहां पे कॉमन पीपल मतलब जो वास्तव में वहां के कल्चर को फॉलो करते थे उनको दास वोल्ट बोला गया। ये लोग जो है ये वास्तव में जर्मनी के कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करने में सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो ये था गॉटफ्राइड हंटर का स्टेटमेंट। तो ये इन्होंने क्या बताया था कि भैया ये रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसलिए मारपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेम भाव से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने की बात करो, काम खत्म कर। तो ये है गॉटफ्राइड हंटर। दूसरी तरफ बात करूं इसमें एक छोटा सा पॉइंट आएगा कि इसमें लैंग्वेज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता था, लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लैंग्वेज ने इंपोर्टेंट रोल अदा करा कैसे, अब छोटा भाई एग्जांपल देखो, मैं छोटा आपको बैग ले चलता हूं, बैग चलो, हम लोग बात कर रहे हैं सिंस आपने ट्रीटी ऑफ वियना का पॉइंट देखा था, ट्रीटी ऑफ वियना इसमें हुआ क्या था, ये फ्रांस जो है इसको चार देशों में ऑस्ट्रिया रशिया ब्रिटेन एंड रशिया इन लोगों ने डिवाइड किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिविजन कर दिया था, इसको ब्रेक कर दिया था, जिसके सामने जो एरिया है कवर किया था ना, देखो ईस्ट से कवर था पोलैंड, ठीक है पोलैंड, तो जब रूस ने फ्रांस को ब्रेक किया तो पोलैंड का मैक्सिमम पार्ट किसके अंदर चला गया, रशिया के अंदर। देखो पॉइंट समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा क्या थी, अब इसको थोड़ा और लार्जेस्ट स्केल में समझो, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सपोज करो कि ये है आपका फ्रांस, ठीक है, तो ये है रूस रशिया इधर है, इधर ब्रिटेन है, ये पर्शिया ये ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने क्या किया, फ्रांस को तो ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे जिसके सामने जो एरिया है उसको क्या किया था, देखो फ्रांस की साइड या पोलैंड का कुछ एरिया था, ठीक है, तो जब फ्रांस रशिया ने ब्रेक किया तो पोलैंड का मैक्सिमम पार्ट जो था किसके कंट्रोल में चला गया, रूस के, ध्यान देना रूस के कंट्रोल में चला गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि पोलैंड के लोग जो थे वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज करते थे, were using Polish languages everywhere. Everywhere means what? Everywhere का मतलब school है, church है, colleges है, कहीं भी everywhere। जैसे हम लोग यहाँ पे भोजपुरी language का use करते हैं बिहार में, ठीक है? तो in the same way वहाँ पे Poland का जो native language था, वहाँ का जो अपना language था, वो Polish language था। तो ये use करते थे अपने देश में। लेकिन अब क्या हुआ? ये Poland किसे control में चला गया? अब Poland चला गया Russia control में। ये area history खत्म हो गई है। कल Poland आ गया Russia में। तो रशिया का अपना लैंग्वेज क्या है? रशियन लैंग्वेज है। अब रूस को ये पसंद नहीं था कि भाई अब तुम हमारे कंट्रोल में आ चुके हो, अब नाउ पोलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या चीज, रूस, रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। अब रूस ने क्या कर रही है, रशिया ने इन लोगों के ऊपर दबाव दिया, फोर्स कर दिया, भैया एक काम करो, अब इस पॉलिश लैंग्वेज को जो आप हर जगह यूज कर रहे हो, चाहे वो आपके स्कूल हो, चर्च हो, कॉलेजेज हो, डेली लाइफ स्टाइल हर जगह पे यूज करो, इसको खत्म करो, डन डाइलेज करो इसको, ठीक है, कि अब आप पॉलिश लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, अब क्या करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आप हमारे कंट्रोल में, अब पॉलिश लैंग्वेज की जगह पे आप इसको रिमूव करो और इसके जगह पे आप रशियन लैंग्वेज का यूज करो, इन सब जगह पे आप पोलैंड करो रशियन लैंग्वेज को, इन सब जगह पे अप्लाई करो, पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग बिहार के लोग, ठीक है, वी आर फ्रॉम बिहार, ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे स्टेट में, छोटा एग्जांपल देखो, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन गए, श्रीमती ममता बनर्जी बन गए, अब उन्होंने क्या किया हमारे ऊपर फोर्स करा, भैया आपको अपने स्टेट में बंगाली लैंग्वेज का यूज करना है, इसको भी छोड़ो डायरेक्ट चले आओ, हमने क्या किया, उन्होंने बताया कि भाई जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसेज हैं अगर आप बंगाली लैंग्वेज जानते हो, सपोज करो कि ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, छोटा कौन देश के प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने क्या अप्लाई करा कि भैया अगर आपको बंगाली आता है तो आप हायर एजुकेशन लोगे, मतलब सारे हायर एजुकेशन बंगाली लैंग्वेज में देंगे,
अगर जिसको बेंगोली लैंग्वेज में जाता है उसको गवर्नमेंट जॉब देंगे, उसको सारी फैसिलिटी देंगे। तो सपोज करो रिवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, यहाँ पे रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा? क्या 30 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री नो बेंगोली, सबके पर बेंगोली लैंग्वेज जानते हैं क्या? ये तो जो बेंगोली लैंग्वेज वाले हैं वो तो जान लेंगे, और हम लोग जैसे लोग हमको तो कोई फैसिलिटी मिला नहीं, तो क्लियर है कि हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, रिवोल्ट तो करना है। गेटिंग यस सुनो, वो समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? पॉइंट विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, आर यू गेटिंग? समझो पॉइंट में क्या बता रहा हूँ? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लुक एट, अब कंडीशंस क्या था यहाँ पे? कंडीशंस था कि इन लोगों ने पॉलिस लैंग्वेज को रिजेक्ट किया, बोले कि अब आप पॉलिस लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते। एंड इन द केस ऑफ पॉलिस लैंग्वेज नाउ द पीपल ऑफ पोलैंड would have to use क्या थी रशियन लैंग्वेज एवरीवेयर, मतलब कहाँ पे, स्कूल हो, चर्च हो, अपने डेली लाइफ में हर जगह पे, मतलब पॉलिस को खत्म करो। रिवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? Do you think कि वो साइलेंटली इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे? आर यू थिंकिंग दैट? नो सर। क्या वो लोग उसको एक्सेप्ट करें? नो, दे वेर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, दे रिजेक्टेड इट कंप्लीटली एंड स्टार्टेड रिवोल्यूशन अगेंस्ट रशियन एम्पायर वन इन 1831। गेटिंग? तो यहाँ पे पोलैंड के लोगों ने क्या करा, मूवमेंट रिवोल्ट रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया 1831। ये टॉपिक ही आपका मूवमेंट इन पोलैंड, कि पोलैंड का मूवमेंट क्या था, क्या हुआ, क्यों, ये 1831 ये मूवमेंट हुआ 1831 का। तो हुआ क्या चीज, तो पॉइंट क्या था, क्या चीज यहाँ पे लिख दोगे क्या, कि ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना, ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना most of the part part of Poland was captured by Russia. Russia was captured. Second, the people of Poland, the people of Poland used kaun sa language, Polish language everywhere matlab kahan kahan, everywhere matlab kya hua, school ho gaya unka, church ho gaya, college ho gaya, ya fir daily life style unka hoga, har jagah pe apna hai, jaisa hum log bhojpuri language har jagah use karte hain, everywhere in the same way, वो हर जगह यूज करते थे। Conditions क्या बात है? The Russian Empire, the Russian Empire, Russia forced, इसको forced किया over Poland to replace of their languages। क्या अपने language को replace करो? Polish language, why किसे? Russian language। भैया यहाँ पे आप Russian language का use करो हर जगह पे, ठीक है? Russian language का use करो। तो क्या Poland के लोगों ने इसको reject किया कि select किया? The people of Poland rejected it completely. पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया एंड स्टार्टेड और रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, स्टार्टेड रिवोल्यूशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रिवोल्यूशन स्टार्ट किया?
मूवमेंट इन पोलैंड. Have you got yes or no? Everyone? Sir, fourth point बता दीजिए. मैं फिर से सारे पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना. मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया कि मूवमेंट इंपोर्टेंट है 1831. तो मैंने बताया क्या है कि ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना, जो नेपोलियन जब डिफीटेड हुआ था, व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड, देन आफ्टर इन 1850 ड्यूक मेटर्निख क्या चीज ऑर्गेनाइज, कांग्रेस मीटिंग एट वियना, वन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था. इसके बाद क्या कंडीशन होता है कि इसमें से चारों देशों ने क्या करा, फ्रांस को तो ब्रेक करा, जिसमें जिसके सामने जो पड़ा है उसको उन लोगों ने कैप्चर करा. तो अनफॉर्चुनेटली रशिया के सामने पोलैंड का मैक्सिमम पार्ट आ गया, ठीक है. तो रूस ने क्या किया, मैक्सिमम पार्ट जो पोलैंड का था उसको अपने कैप्चर में कर लिया. अब कैप्चर में कर लिया तो आपने देखा कि पोलैंड का जो अपना लैंग्वेज है पोलिश लैंग्वेज है, ध्यान देना, पोलिश लैंग्वेज है, जो कि उसको अपना नेटिव अपना कॉमन लैंग्वेज है, उसको हर जगह पे यूज करेंगे हम लोग, हर जगह, चाहे वो स्कूल हो, हर जगह पे चर्च हो, कॉलेज हो. लेकिन रूस ने क्या करा, इसके ऊपर प्रेशर दिया, दबाव दिया कि भैया एक काम करो, आप लोग अब अपने इस लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, अब इस लैंग्वेज को रिमूव करो, रिप्लेस करो, किससे, हमारे रशियन लैंग्वेज का. रशियन लैंग्वेज को एवरीवेयर यू वुड हैव टू अप्लाई, हर जगह पे आपको अप्लाई करना, ठीक है, विच वॉज रिजेक्टेड बाई किस तरीके से पूरे देश को यूनाइट कर दिया. छोटा भाई क्या सॉल्ट मार्च, महात्मा गांधी का याद है ना, 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और 10 में अगर बहुत सारे बच्चे जो एक्टिव होंगे, अगर वो थर्ड चैप्टर कवर किया है तो उनको ये पता होगा, गांधी ने नमक का यूज किया. अरे सॉल्ट मार्च किया ना, 6 अप्रैल 12th मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे कहां पे, दांडी. और वो कौन सा मार्च था, वो सॉल्ट मार्च था. तो सॉल्ट का यूज करके पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट कर दिया महात्मा गांधी ने. कैसे, तो कंडीशंस क्या था कि सॉल्ट जो था उस समय का भी कॉमन कंपोनेंट था. अ सॉल्ट का यूज करते उन लोगों ने लोगों के डाइट सेंटीमेंट को टच करने की कोशिश करा, इसके ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगा था, बहुत सारे इफेक्ट भी, बहुत सारे ऐसे मैटर्स जो कि इससे जुड़े हुए हैं. तो सेम यहाँ के क्रांतिकारियों ने बोला, छोटा विज्ञापन जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई दूसरा बंदा बोलता है कि आप अपने हिंदी लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, एंड इन द प्लेस ऑफ हिंदी लैंग्वेज यू विल हैव टू लर्न अनदर लैंग्वेज इफ यू वॉन्ट हायर एजुकेशन इन योर लाइफ, इफ यू वॉन्ट any government job in your life, that if you want to make your future gap very bright, then in that case you will have to leave your duty and accept Hindi, use another language. So kya will, are we going to accept or reject it? We are going to reject it. Aur hum log kya karenge, hamare jaise log kya karenge, isko national level pe, national platform pe isko workout karenge. Bhaiya dekho yahan pe, dekho ye hamare apne language ko damage karke apne language ko hamare upar thopna cha raha hai. क्या आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? अब सारे के सारे लोग क्लियर है कि सब बोले क्यों भाई, हमारा अपना लैंग्वेज है, तो तुम्हारे लैंग्वेज को क्यों करेंगे? और यहाँ पे कहीं ना कहीं मूवमेंट और रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे जो पोलैंड के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने भी पोलिश लैंग्वेज का यूज किया, किसलिए, देश को यूनाइट करने के लिए. देखो भाई, हम लोग का अपना लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज है, और ये जो रशियन एम्पायर जो है, रूस जो है, वो हमारे ऊपर फोर्स कर रहा है कि अपने पोलिश लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दो और उसके जगह पर रशियन लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लो और हर जगह पे इसको यूज करो. तो क्या आप लोग सेलेक्ट करोगे या फिर हमारे साथ मिलकर इसका विरोध करोगे? पूरे पोलैंड के लोग स्टेट बोले एकदम व्हाई नॉट, हम सब आपके साथ हैं, हम सब रशिया का विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे. समझ में आ गया? यहां पे क्रांतिकारियों ने इस लैंग्वेज का यूज करके, दे यूज दिस लैंग्वेज एज अ टूल टू यूनाइट द नेशन. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पोलैंड. एवरीबॉडी पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? यस सर. यस और नो? यस सर. क्लियर हो रहा है बच्चा लोग? क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस सर. कोई प्रॉब्लम सर? स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए. एकदम इसमें क्या नहीं, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को नोट्स बहुत जल्दी मिलेगा, चिंता ना करो.
कैन गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. तो ये पॉइंट वाइज का ही, ठीक है. इसके पहले हम लोगों ने हार्शिप बच्चा लोग पढ़ लिया, हम लोग हार्शिप उपयोग पढ़ लिए हैं, हार्शिप पढ़ चुके हैं. एवरीवेयर के बाद क्या लिखे, यस सर, एवरीवेयर के बाद ये स्कूल है, चर्च है, कॉलेजेस है, डेली लाइफ स्टाइल है. मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करना पड़ेगा, नहीं तो लिखोगे तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा. तो ये बताओ, ये हो गया ग्रीक रिवॉल्यूशन, हम लोग का हो चुका है ना ग्रीक रिवॉल्यूशन, ग्रीस का जो मूवमेंट था वो हो चुका है हम लोग का. यस सर, हो चुका है. यस सर, हो चुका है. यस सर, हो चुका है. चलो ठीक है, वेरी गुड. चलो फिर अब हम लोग चलेंगे क्या चीज, मूवमेंट ऑफ लिबरल्स. हम लिबरल्स के मूवमेंट की तरफ चलेंगे कि आखिर उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह. चले हम लोग इस टॉपिक को भी छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं. देखो यूरोप इजी चैप्टर है, कब जब आप तरीके से समझेंगे. और ये सिंपल सा पॉइंट है, इसको दो बार तीन बार लेक्चर जहां सुनोगे दिमाग के अंदर एकदम सेट हो जाएगा, आपको एक टॉपिक बताना शुरू कर दोगे. तो ये दोनों तीन तीन नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे होंगे. मैंने जो पहला बार बताया, ठीक है, गॉटफ्रेड हर्डल का जो पॉइंट था उसको ऑब्जेक्टिवली पूछता, सब्जेक्टिवली पूछता है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा दासवर्ड कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी. आईएफए पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ दैट गॉटफ्रेड हर्डल. हर्डल क्या कहना चाहते थे, रोमांटिक इमेजिनेशन के ऊपर उनका ज्यादा फोकस था. इसके बाद ही पूछ देता है क्या चीज, ये बताओ मूवमेंट, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पोलैंड. नहीं है मूवमेंट पोलैंड की, या फिर इसको और भी घुमा सकता है कि हाउ द पीपल ऑफ पोलैंड यूज्ड क्या दिस पोलिश लैंग्वेज एज ए टूल टू यूनाइट द नेशन अगेंस्ट द रशियन एम्पायर. इसको क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करेगा, आंसर सेम होगा जो मैंने अभी राइट डाउन किया है. कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर. ओके, वेरी गुड. अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ. 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक की. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 यही ना टॉपिक. इसके बाद हम लोग बच्चों लोग यूनिफिकेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है. ये आपका लास्ट टॉपिक होगा. इसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं, फ्रैंक, फ्रैंक के बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है ये, नहीं नहीं हाँ ये एफयूआरटी, फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, जर्मनी का एक शहर है ये फ्रैंकफर्ट. अरे कभी देखा नहीं, मैच होता है, क्रिकेट होता है वहां पे. यस सर. तो वो वहां पे क्या कंडीशन था, ठीक है. तो अब देखो कंडीशन क्या था. अभी तक आपने देखा कि कंजर्वेटिवों का शासन पूरे के पूरे यूरोप पे है, पूरे यूरोप को उन लोगों ने कवर करके रखा है. तो क्या लिबरल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? लिबरल्स वाले भी अलग अलग तरीके से मूवमेंट रिवॉल्यूशन को लॉन्च कर रहे थे, मूवमेंट रिवॉल्यूशन कर रहे थे. कंडीशंस आगे क्या बढ़ता है थोड़ा सा फोकस करेंगे. आप लोग कहानी क्या बढ़ रही है, कहानी क्या बढ़ रही है, तो कहानी पर ध्यान देना. द लिबरल ऑफ जर्मनी assembly at St. Paul Church in the city of Frankfurt that on his day 1848. अगर रहेगा दिमाग के अंदर डेट तो बढ़ेगा रिपोर्ट कार्ड में वेट, दिमाग के अंदर याद रखना. तो मैंने क्या बताया कि ये सेम पॉल चर्च में वो इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है. अब क्या क्या इन लोगों ने वहां पे इकट्ठे हो गए, दे डिसाइडेड टू फॉर्म देयर पार्लियामेंट
parliament, which was literally known as Frankfurt Parliament. Which was literally known as the Frankfurt Parliament by FP Lignau formula. ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? They elected कितने लोगों को चुना भाई का? They elected 831 representatives. Representatives to govern. भैया देश को ये लोग अपने तरीके से चलाएंगे. फिर क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने ऑफर किया. They offer. मतलब उन लोगों ने इस चीज को माना कि भाई देखो आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके पे राज करो, कोई दिक्कत नहीं है. आप मोनार्क हो, राजा रहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. आप राजा रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं. राजा आप ही रहो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम. लेकिन कंडीशंस क्या कि किंग होने का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब देयर मस्ट बी लिमिटेशन ऑन योर पावर. आपके पावर पर भी लिमिटेशन होना चाहिए. आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. अपने मन मुताबिक तरीके से जो मन करे वो नहीं कर सकते. तो यहाँ पे पॉइंट क्या किया तीन लोगों ने, क्या किया कि भाई ये 31 रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भाई आपको क्या करो, इन लोगों को एडवाइस करो जो करना है. और इन लोगों ने ऑफर किया, दे ऑफर द क्राउन टू किसको? देखो यहाँ पे फ्रेडरिक विलहेम फोर. फ्रेडरिक विलहेम फोर जो कि कहां करा जाता है, किंग ऑफ प्रशिया, ये पर्शिया करा जाता है. ठीक है, अब ये पर्शिया का जो राजा फ्रेडरिक विलहेम फोर, इसको इन लोगों ने ऑफर किया कि भैया काम करो. अब किसने किसी को तो राजा बनाना ही है, तो आप ही राजा, पर्शिया के राजा हैं, आप अच्छे किंग है, नो डाउट, आप अच्छे तरीके से अपने देश को चला रहे हो. आप एक काम करो, पूरे जर्मनी के किंग बन जाओ. ठीक है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि आप जो वर्कआउट करोगे, जो एस्केप लोगे, वो सारे एस्केप अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. नहीं है, मतलब आप कंसर्न करके जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होंगे उनके साथ कंसर्न करोगे, और उसके बाद ही कोई बिल एक्ट के रूप में आप कन्वर्ट कर दोगे, जिसको पूरी तरीके से इस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया. और क्या बोला, मैं राजा हूं, कोई भी डिसीजन लेने के पहले मैं आप लोगों से सजेशन लूंगा, एडवाइस लूंगा, उसके बाद कोई रूल बनाऊंगा. नहीं मानना मेरे को, नहीं मानना मेरे को, तो नहीं मानना तो क्या क्या इससे, इसने क्या कर दिया, फ्रेडरिक विलहेम फोर, इसने क्या किया, रिजेक्टेड दिस प्रपोजल. इस प्रपोजल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, बोले मुझे नहीं मानना तुम लोगों का. एंड डिसबैंडेड, इसको डिसबैंड किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट with the help of क्या चीज, other monarchs, other things, जो दूसरे लोग थे, दूसरे मोनार्क को उनके सपोर्ट थे, उसने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया हमेशा के लिए. तो जिसको भी ये 3 marks, this question will carry 3 marks, ये भी question 3 number के साथ आगे बढ़ेगा. तो अब चलो मैं आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओरिजिनल कहानी बताता हूँ, ध्यान देना. मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, आप बोलो सर, वो 831 के बाद क्या लिखे हैं सर, दे इलेक्टेड 831 रिप्रेजेंटेटिव्स टू, उसके आगे सर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न. यहां तो मैं जो बताऊं पहले उसको समझिए. मैंने आपको छोटा सा पॉइंट क्या बताया, मैंने बताया कि सपोज करो कि कंजर्वेटिव्स, द कंजर्वेटिव्स वर रूलिंग ऑल ओवर यूरोप, और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के मूवमेंट एंड रिवोल्यूशन चल रहे थे. ठीक है, फॉर व्हाट, टू ब्रिंग सम चेंजेस, जिसको विच वे आर कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय क्या, द कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव बोलते थे मैं क्यों आपके बदलाव को एक्सेप्ट करूं, मैं किंग हूं, मैं जो बोलता हूं उसको आप मानिए, काम खत्म, हमें आपकी बातों से कोई मतलब नहीं है. तो इसी में, इसी एक कंडीशन, मतलब इसी सीरीज में एक मूवमेंट चल रहा था कहां पे, जर्मनी में भी. ठीक है, तो जर्मनी में आपने कि इन जर्मनी ऑन 18 मई 1848 को सम लिबरल्स असेंबल्ड एट सेंट पॉल चर्च इन फ्रैंकफर्ट सिटी ऑफ क्या जर्मनी,
जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में जो सेंट पॉल चर्च का बाप ये सारे बंदे इकट्ठे होते सारे लिबरल्स और उन लोगों ने बोला भाई डिसाइड तो करना पड़ेगा. तो उन लोगों ने क्या किया, अपना डिसाइड करा कि भाई हमें एक रिपब्लिकन सिस्टम चाहिए, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चाहिए, मतलब ऐसा राजा जो अपने मन मुताबिक तरीके से, मतलब ऑटोक्रेट नहीं चाहिए हमें, वी डोंट वांट ऑटोक्रेट्स, दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हु वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. गेटिंग यस नो. अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लिया, जो चुनिंदा जो एक्टिव लोग होंगे. आपको बताया ना मैंने कि एक्टिव एंड पैसिव उसमें भी थे. सपोज करके आप ही अपने पीस से लीडर को किसको, सपोज आप अपने क्लास है 50 उसमें स्टूडेंट्स है, 5050 स्टूडेंट्स है, मॉनिटर का इलेक्शन इलेक्ट कराते हो, इलेक्शन करते हो, उसमें से मॉनिटर किसको चुनते हो, जो सो रहा है क्लास में, जो एक्टिव है, जो एनर्जेटिक है, जो हर तरीके से वेल मेंटेन है, हम उसको क्या करते हैं अपने मॉनिटर के रूप में उसको इलेक्ट करते हैं, करा ना उसको मॉनिटर के रूप में इलेक्ट कर लिया. अब कंडीशन क्या होता है आगे देखिए, अब कंडीशन हमारा आगे क्या होता है. तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, जो एक्टिव लोग होंगे उनमें से 831 रिप्रेजेंटेटिव को इन लोगों ने चुन लिया. या आप लोग क्या करोगे कि जो किंग हम लोग का बनेगा उस किंग के आप लोग मिनिस्टर्स बनोगे, कैबिनेट के मिनिस्टर, उन लोग को सजेशन दोगे, आपके सजेशन के बिना वो कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बना पाएंगे. जब ये सारे काम इन लोगों ने कर लिए उसके बाद ये लोग पहुंचे कहां पे, फ्रेडरिक विलहेम IV जो कि पर्शिया का किंग था, ठीक है, उसके पास जाकर बोलते भैया काम करो आप हम लोग के राजा बन जाओ, ठीक है, हमारे किंग बन जाओ अपने मन मुताबिक तरीके से, हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिजायर वी वांट टू सेलेक्ट यू एज आवर कैबिनेट किंग. बट द किंग व्हिच, द किंग व्हिच टाइप ऑफ किंग, किंग हु वुड मेक एनी टाइप ऑफ रूल एंड रेगुलेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको सेलेक्ट किया कि रिजेक्ट किया फ्रेडरिक विलहेम IV ने, फ्रेडरिक ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला क्या बात, रिजेक्ट रिजेक्ट किया, बोला कि मेरे को ये सब चीज नहीं मानना, मैं क्यों तुम्हारे इस पॉइंट को मानूं भाई, मैं क्यों तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानूं, मैं राजा हूं अपने तरीके से वर्कआउट करूंगा. और उसने दूसरे मोनार्क का सपोर्ट लेके बोला कि भाई इसको खत्म करो जल्दी, नहीं तो ये सर के ऊपर बैठेंगे. और उन लोगों ने क्या किया, इस नेशनल असेंबली को पूरी तरीके से रिजेक्ट, डिसबैंड कर दिया, खत्म कर दिया, चलो भाई तुम्हारी कार्य खत्म, ठीक है. तो ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के तीन मार्क्स का असर है क्या. एफपी सर सेकंड पॉइंट में जो लिखे हैं, सेकंड पॉइंट सर उसके नीचे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उसके नीचे सर, नो ये दे एफपी लिख दीजिए ना सर बुक पे, फ्रैंकफर्ट क्या लिखा ऊपर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, अच्छा वही है फ्रैंकफर्ट, वही है. अब इतना बड़ा बड़ा वर्ड एक एक हर लाइन में लिखेंगे तो वर्ड लिखने में 10 मिनट टाइम निकल जाएगा, मतलब नहीं है टाइम ही तो बचा रहा है सर. हाँ किंग का नाम क्या लिखे, फ्रेडरिक विलहेम IV, फ्रेडरिक विलहेम IV किंग ऑफ पर्शिया, जो किंग था. और देखो एनसीआरटी बुक तो हमारे पास ही है, एक बार उसको पलट के हल्का रिवीजन करें, चेकआउट कर लोगे, ठीक है. तो ये फ्रेडरिक विलहेम IV, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कहानी है. स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया, या फिर एक बार फिर क्या करूं मैं इसको, सर स्नैप लेने दीजिए, ठीक है. स्टूडेंट्स कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े, डन, यस सर, यस सर. तो चलो एक बार और इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, एक और रिकैप कर देते हैं. देखो मैंने क्या, अब इसको लिखना कैसे, मैंने क्या बताया कि एज वी नो दैट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स द लिबरल्स, अब एक साइड जी सर स्क्रीन पर ले लो, ओके ना, ओके. ओके तो मैंने क्या करा, क्लासेस की द लिबरल्स ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी के जो लिबरल थे दे ऑल असेंबल्ड, कहां पे इकट्ठे हुए, एट सेंट पॉल चर्च इन द सिटी ऑफ क्लासेस फ्रैंकफर्ट इन क्या जर्मनी, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट जो शहर है वहां पे एक चर्च था, जिस चर्च में सारे के सारे लीडर जो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, ध्यान देना, फोकस,
टोटल फोकस इकट्ठे हो जाते भैया आगे क्या हुआ, आगे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। उन लोगों ने क्या करा कि भाई हम लोग क्या करते हैं तो अपने डेमोक्रेटिक मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम की संरचना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है, जिसमें पब्लिक के पास कुछ राइट रहेगा। फिर उन लोगों ने क्या किया, 831 रिप्रेजेंटेटिव को चुना, इलेक्ट किया, जो कि अब इन लोगों के लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे। 831 रिप्रेजेंटेटिव बन गए। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो पर्शिया का किंग है फ्रेडरिक विलहेम IV, ध्यान देना विलहेम IV, उसके पास पहुंचते हैं ये सारे लोग और जाके बोलते भैया काम करो आप हमारे राजा बन जाओ, किंग बन जाओ, आप राजा बनो कोई दिक्कत नहीं है। बट रूल एंड रेगुलेशन Before converting any bill into an act, you must concern with those leaders, those representatives who we all had elected. अब ये जो था statement, ये जो proposal था, इस ये कहीं ना कहीं undigestible था। किसके लिए? Frederick Wilhelm IV के लिए। उसने बोला ना ना ऐसा तो नहीं होता। भाई मैं राजा हूँ, king हूँ मैं, और decision लेने के पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगा, तो फिर मैं राजा किस चीज़ का? ना 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 ये कब नहीं होगा। उसने क्या किया, इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, बोले ये नहीं चलने वाला। एंड विद द हेल्प ऑफ अदर मोनार्क ही डिसबैंडेड, उसने पूरी तरीके से इस फैसले संधि को डिसबैंड कर दिया। लेकिन लेटरली इन कंजर्वेटिवों ने कुछ चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। उन लोगों ने इस चीज को देखा या फिर लिबरल बार बार मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम इनको क्या है। तो उन लोगों ने इस चीज को देखा कि लिबरल जो है इनको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए। उनके ऊपर चलो ठीक है चेंजेस कर लेते हैं। और होता नहीं है कि सपोज करो हम लोग देखते हैं कि भाई अच्छी बार बार टेंशन नहीं है कि थोड़ा बाद बढ़ो तो ये लिबरल वाला पैर पीछे खींच रहा शुरू करता है। इनको प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है कि दे वांटेड सम चेंजेस, तो चलो वो चेंज करते हैं हम लोग। तो कंजर्वेटिव ने एट लास्ट चेंजेस को एक्सेप्ट करा, लेकिन वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू देम चेंजेस शुड बी मेड बट इन अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे बदलाव कीजिए। एक ही बार कल्चर को पूरा बदल नहीं सकते आप, नहीं है। तो यहाँ पे देखो कंजर्वेटिव ने एट लास्ट एक्सेप्ट कर लिया था कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये बदलाव कैसा होगा, ये बदलाव होगा इन अ स्लो मूवमेंट, स्लो प्रोसेस में ये बदलाव होगा। तो दैट वाज क्या चीज कंजर्वेटिव का आइडियाज था, ठीक है। अब चलो इसमें किसने किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े सर? हाँ सर, हिस्ट्री में सबका नाम सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों होता है? फर्स्ट देखा, अब देखो यहाँ पे राघवेंद्र आपने सिंह लगाया है, ठीक है, आपके फादर का नाम जो है उनके पास भी सिंह लगा होगा, फिर आपने भी अपने पास सिंह लगाया, फिर आपके आने वाले जनरेशन वो भी अपने साथ सिंह लगाएंगे, नहीं है? तो कंडीशन है कि हमारे जैसे हम लोग टाइटल लगा देते हैं, देखो वहां पे लुईस फर्स्ट, लुईस सेकंड, लुईस सेकंड, तो उन लोगों के पास नाम के बाद क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके उन लोग का लुईस जो है वो समझो कि टाइटल है। अब 1 2 3 4 क्या उनका जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। वो लोग जानते हो कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेशन, हम लोग क्या करते हैं अपने नाम को देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे बंदों का नाम देख लेना हमारे यहाँ क्या होता है, सत्य प्रकाश दुबे तिवारी, या तो ऐसे भी हम क्या करते हैं सत्य तिवारी प्रकाश तिवारी, हमें डबल ट्रिपल नाम है क्योंकि अपना लंबा पुकरा। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने वो जो लुईस जो है बोर्ड है वो उनका टाइटल होगा, उसको 1 2 3 4 5 से मेरा वो कंटिन्यू लेकर उनका नाम उनका जनरेशन बता रहा है कि कौन सा जनरेशन है। तो ये उनका अपना है। बहुत सारे तो अंग्रेजों को देखते हैं लॉर्ड ऑफ द बाथ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बॉयज लगता है लॉर्ड ऑफ द बाथ लगा लिया। तो इस तरह के उनके अपने इंग्लिश नाम होते हैं, उनको क्या है नहीं है ठीक है, तो वो टाइटल अपना लगाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, मैंने ये पूछा है एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो एक छोटा सा ट्रिक है, ओके बोलो। नो सर। ओके चलो, तो एक छोटा सा मैं रिकैप कर देता हूं पूरा स्टार्टिंग से अभी तक, बिकॉज अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यूनिफिकेशन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, ब्रिटेन सॉरी जर्मनी इटली और ब्रिटेन। देखना ये तीनों वीआई क्वेश्चन है, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन एनालाइज किए जाते हैं, 5-5 नंबर के ये तीनों क्वेश्चन उठेंगे, चाहे वो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पूछ दे, इटली का यूनिफिकेशन पूछ दे, या फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन पूछ दे। जर्मनी तो 3 नंबर में आएगा, ऑटोमन बिस्मार्क का स्टेट, लेकिन तुम्हारा इटली और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन वो 5-5 नंबर में तुम्हारे क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं छोटे से रिकैप की तरफ, क्या आप लोग रेडी है? एवरीवन यस सर, ऑल आर रेडी? फर्स्ट वाला बता दीजिए ना, रोमांटिक
आपने देखा था क्या पेंटिंग को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, यूटोपियन विजन की बात की थी बाय शोइंग दैट पेंटिंग नहीं है और एक इमेजिनरी सोसाइटी वेयर एवरीवन शुड बी इक्वल जो कि इंपॉसिबल है, वो कंप्लीटली इंपॉसिबल ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे इंपॉसिबल था ही नहीं। सेकंड स्टेप में चलो किसी को फोकस करना वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मैं बता रहा हूं। सेकंड में स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू ब्रिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों के अंदर आखिर कलेक्टिव आइडेंटिटी को लाने के लिए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने क्या-क्या स्टेप लिए, तो मैंने बताया था कि दे कॉल देयर नेशन एज ला पाट्री मतलब फादरलैंड, फ्रांस ही कहता था फ्रेंच के अपने देश को फादरलैंड कहा। हम लोग हिंदुस्तान में भारत पापा बोलते हैं, भारत पापा जिंदाबाद बोला कभी, हम लोग बोलते हैं भारत माता, मतलब जितने भी कंट्रीज है उन लोगों ने अपने देश को मदरलैंड मदर का दर्जा दिया है, लेकिन फ्रांस ही ऐसा देश था जिसने स्टार्टिंग में अपने फादर को फादरलैंड देश को फादरलैंड बोला, फादरलैंड क्यों, बिकॉज कहा जाता है ऐसा कि वहां पर फीमेल जो थी फीमेल्स वेयर कंसीडर्ड एज इंफीरियर, वेल मेल सुपीरियर सोसाइटी था वहां पे, तो फीमेल को उतना ऊंचा पोस्ट देना उनके लेवल की बात नहीं थी, तो इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। खैर दे कॉल देयर नेशन एज ला पाट्री फादरलैंड बोला उन लोगों ने, प्लस देमसेल्फ एज सिटीजन मतलब नागरिक, उन लोगों ने बोला कि हमारा देश है ये और ये देश के मतलब ये हमारा देश है और हम इस देश के नागरिक हैं, तो हम अपने तरीके से अपने देश को करेंगे, बीच में किंग कौन होता है जो कि हमारे ऊपर गवर्न करेगा चलो उसको सही करो। प्लस इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की उन लोगों ने, फ्यूडल सिस्टम को रिमूव करने की बात की उन लोगों ने, उन लोगों ने हेरिडिटरी सिस्टम को खत्म करने की बात की उन लोगों ने, इक्वल मेजरमेंट मतलब इक्वालिटी लाने की बात की हर स्पेयर इन ईच एंड एवरी स्पेयर ऑफ अवर लाइफ उन लोगों ने बात बैठ किया, उन लोगों ने जो किंग के हाथ में टोटल का टोटल पावर था उस पावर को लेकर क्या करा सेंट्रलाइज करने का काम किया उन लोगों ने और क्या किया, तो हमारे रिवोल्यूशनरीज ने मतलब फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज ने और क्या किया, तो उन लोगों ने जो रॉयल फ्लैग था उसको खत्म किया और ट्राई कलर का निर्माण कर दिया, प्लस फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। तो ये सारे स्टेप्स आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा है, 3 मार्क्स। नेक्स्ट स्टेप पे चलो बच्चों ध्यान देना फोकस करना, अगले टॉपिक की तरफ अगर तुम बढ़ोगे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊँ, नेपोलियन को लेके आते हैं हम, नेपोलियन आपने देखा क्या स्कीम्स पूरी तरीके से फ्रांस का कंडीशन डायनेमिक चल रहा है, कभी एक्टिव तो कभी पैसिव, कभी एक्टिव तो कभी पैसिव, इस बीच में 1804 में सप्ताह मिल गया जिसको नेपोलियन बोनापार्ट जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। नेपोलियन की बात करोगे तो वो जैसा कि आपने जाना कि व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस देन इट वाज क्लियर दैट ही डिस्ट्रॉयड, ही डिस्ट्रॉयड क्या डिस्ट्रॉय किया, ही डिस्ट्रॉयड the democratic infrastructure of France completely, but after that the people supported him strongly, logon ne uska pura tarike se support kiya, reason civil code 1804 which was entirely known as Napoleonic code 2 jisko Napoleonic code bhi kaha gaya, any problem, aur civil code ke matlab se usne kya kya badlav kiye everybody knows, lekin conditions kya hai ki ye civil code apply kiya logon ne uska support kiya nota, lekin ye jo support tha lamba samay tak नेपोलियन के साथ नहीं रहा, 1814 में वही लोग जो नेपोलियन का सपोर्ट 1804 में करते हैं 1814 तक दे स्टूड अगेंस्ट नेपोलियन, एनीवन हू कैन गिव द कंक्लूजन अगर क्यों व्हाई डिड द पीपल स्टूड अगेंस्ट नेपोलियन, एनीबॉडी, ओके चलो भाई बोलता हूं, क्योंकि आपने क्या देखा कि नेपोलियन जो था वो क्या था, ही वाज एन एंबिशियस किंग, ही डिडंट वांट to rule in a limited boundary, he want unlimited power, means what, he wanted to control all over Europe, because of that he forced his people to join the army, plus he raised taxes many times, and this was the main reason because of that the people stood against him, and this created a very golden opportunity before whom, other European countries like Austria, Prussia, Britain and Russia, they all together attack on Napoleon at Waterloo in 1814 and their Napoleon was defeated after that, ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में तो आपने सुना ही है, क्या हुआ ट्रीटी ऑफ वियना में, आपने क्या देखा कि ड्यूक मेटर्निक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दिया वियना में, कांग्रेस की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें चारों देशों को इनवाइट किया गया, चारों देशों ने क्या किया फ्रांस को ब्रेक किया, अपने अपने फैमिली जिसका रिपोर्टर है उसको कैप्चर किया और उसके बाद फ्रांस का ब्रेकअप किया गया, रीजन क्या था दे वांटेड टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस एट एनी कॉस्ट, उसके बाद यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी फिर एक बार बोर्बन डायनेस्टी का बंदा था कंजर्वेटिव सोच का था उसको यहाँ पे राजा बना दिया गया, और आपने ये भी जाना है कि जब वो कंजर्वेटिव राजा बना तो उसने क्या क्या रूल रेगुलेशन अप्लाई किया, क्या क्या पहला अप्लाइड सेंसस इन मीडिया, प्लस स्नैच ऑल फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन पीपल, डिसबैंडेड ऑल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रेस टैक्सेस, प्लस ही ब्रॉट प्योर ऑटोक्रेटिक सिस्टम, और अगेंस्ट हिम ए लॉट ऑफ लिबरल्स स्टार्टेड रिवॉल्यूशन, ठीक है,
ये पॉइंट हो जाएगा इधर थोड़ा बहुत बैकफुट पे हम लोग खेलते हैं। हमने देखा क्या जिसकी लिबरल का डिमांड मिडिल क्लास का ग्रोथ जिसके आपने देखा एरिस्टोक्रेट एंड टीचर दो ग्रुप थे एरिस्टोक्रेट रिच फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करना यूनाइटेड थे मैरिज साइड की मदद से ये तो पता है पीजेंट गरीब लोग थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जब 18वीं सदी में जो लोग थर्ड स्टेट मतलब पीजेंट ग्रुप जो कि इसमें एंट्री करते हैं एज ए बिजनेसमैन उन लोगों को हम लोगों ने क्या मिडिल क्लास और इस मिडिल क्लास को आगे तक हम लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट का दर्जा दिया जिन लोगों ने फाइटिंग किया थे द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव डिमांड तीन मैंने बताया था पहला पैसिव वोटिंग राइट चाहिए बिजनेसमैन इक्वल मेजरमेंट सिस्टम चाहिए इंटरनल ट्रेड यूनियन को इंडिपेंडेंट करो यही पे मैंने बोला था जोल बेरी 1934 रिपोर्ट से अप्लाई किया गया था कस्टम यूनियन टारगेट क्या था टैरिफ बैरियर को रिमूव करना एक कदम और आगे हम चलेंगे ध्यान देना कंडीशंस क्या बनता है मैंने बताया कि नेपोलियन के हाल में ट्रीटी ऑफ वर्सायल खत्म लुई XVIII राजा बन गया कंजर्वेटिव रूल अप्लाई कर दिया लिबरल में चले जाओ एक रिवोल्यूशनरी जिसकी मैजनी का नाम आ जाता है जिसका जन्म 1807 जिनोवा में हुआ था उसने क्या किया In very early years, he joined the Carbonaria secret society. He launched their movement at Liguria, and because of that, he was sent to exile. And there, he formed two secret societies, Young Italy and Young Europe, in which he started to appoint those people who had liberal ideology. And his objective was what? To restore as his republican system, democratic system, since he wanted to unite the nation at any cost. Okay? Lekin do baar, two times he made a point. 1848 and Louis Philip, a liberal king, was restored once again. Or yahi pe Duke Metternich ek remark tha ki when France is indigenous than the other European countries catches cold. Matlab kya? By using this remark, Duke Metternich wanted to explain that France was a leading nation while other European countries were its followers. And an incident which took place in France, its effect could be seen in other parts of Europe. So ye point kya hai bada important hai. Iske baad kya kiya gaya? Greek Revolution. बताया था मैंने कि आपको क्या बताया ध्यान दो मैं कहां पे था लास्ट मेरा क्या टॉपिक था ध्यान देना फोकस करेगा केवल ग्रीक रिवॉल्यूशन की बात मैंने बताया था कि 15th सेंचुरी देखो मैं जैसे लिख रहा है आपको सेम वही लैंग्वेज बता रहा हूं मैं सेम इसी लैंग्वेज को लेकर वहां वर्कआउट करना है याद रखिएगा अपना लैंग्वेज उसमें ऐड कर सकते हो मतलब एकदम ये भी लैंग्वेज उसमें तो एकदम 5 पे एक नंबर दायरा नहीं होएगा मैंने बताया था क्लासेस कि डील 15th सेंचुरी ग्रीक वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कैदी ओटोमन एंपायर का मतलब एक इस्लामिक स्टेट एंड ओटोमन एंपायर ट्राई टू अप्लाई ओन इस्लामिक रूल्स ओवर कैदी द ग्रीक व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय देम एंड स्टार्टेड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कैदीस against Ottoman Empire in 1821 1830s mein movement start kar diya gaya other european countries ne bhi inka support kiya jaise france britain russia in logon ne support kiya iska puri tarike se isliye ek naam aata hai lord byron jo ki ek english poet tha usne bhi kuch fund ikattha kiya tha to support big but unfortunately he was dead due to fever in 1824 1824 mein jo bukhar pe maut ho jati hai iske baad kahani kya badhti hai bachche log dhyan dena kahani kya badhi 1832 में एक ट्रीटी होता ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड आफ्टर दैट ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो हाची को यूरोप यूनियन 1830 कैसे भूल सकते हैं हम लोग 1830 मैंने बताया था कि 1830 में यूरोप में पॉपुलेशन ग्रोथ हाई था अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हाई था माइग्रेशन ग्रोथ हाई था स्टार्वेशन ग्रोथ हाई था लोगों का माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह हाई था और शहर में भी जाके क्या जॉब मिल रहा था नहीं वहां पे एकदम ऑलरेडी स्टीप कॉम्पिटिशन था तो वो भी एक तरह का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था ठीक है इसके बाद ही आगे जाएगा तो सिलेशिया मूवमेंट की बात किया था मैंने बताया था सिलेशिया जहाँ पे लगभग 1800 लोग रहते थे वो
उनका टारगेट है बीबी का काम कर रहे थे कॉन्ट्रेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है फिर रूपए में कन्वर्ट कर रहे हैं मार्केट में सेल कर कॉन्ट्रेक्टर को क्या कर रहे हैं सप्लाई कर दे रहे हैं लेकिन कंडीशन क्या है दे हैड टू वांट लोड बट दे गेट वेरी लेस वैलिड एंड अगेंस्ट इट 4 June 1845 2 बजे का टाइम किया रखो दे ऑल असेंबल एंड मार्च टुवर्ड द हाउस ऑफ कॉन्ट्रेक्टर वहां पे जाते हैं और कॉन्ट्रेक्टर पर डिमांड क्या है भैया वर्क कम पेमेंट मोर याद रखना वर्क कम पेमेंट मोर कॉन्ट्रेक्टर ने क्या इनके बातों को एक्सेप्ट किया रिजेक्ट कर दिया उन्होंने क्लेम किया था कि द रियल कल्चर कुड बी सीन इन द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी कॉमन पीपल वर कॉल्ड By him, what is Das Wohl? ठीक है, Das Wohl को मैंने बोला था common people को ध्यान दे रहे हैं objective person होगा। उसके बाद इन्होंने बोला था कि भाई use क्या is folk music, folk dance, folk stories to touch the common, to touch the sentiment of common people directly. Don't force over anyone to fulfill themselves with the feeling of that nationalism. नहीं हो पाएगा ये effort कुछ। उनके sentiment को touch करो, तभी जाके उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना जगेगी। ये सारे points को describe करने की बात की गई थी किसके द्वारा? गॉडफ्रेड हेगर के द्वारा और यही पे एक पॉइंट आ जाता था जिसकी पोलैंड का मूवमेंट मैंने बताया था कि छुटके अब जाने के सिर्फ मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पोलैंड का जगह तक वो लोग क्या थे रशियन एम्पायर एंड एज यू नो दैट पोलिस पोलिस वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ पोलैंड व्हिच दे यूज्ड एवरीवेयर इन देयर स्कूल्स इन देयर लाइफस्टाइल इन चर्च एंड एवरीवेयर बट इट वाज रिजेक्टेड बाय किसके द्वारा द रशियन एम्पायर दे फोर्स ओवर क्या थे पोलैंड टू रिमूव दिस लैंग्वेज कंप्लीटली एंड टू एक्सेप्ट क्या थे रशियन लैंग्वेज एंड अगेन स्टेट The people of Poland used Polish language to unite the nation, and they started a revolution against the Russian Empire in 1831. ये होने का तुम्हारा Poland का movement ध्यान देना, focus करना. इसके बाद बच्चों लोग last topic जो हम लोग करेंगे, हमारा जो अभी अभी ये chapter ये topic खत्म हुआ, Frankfurt Parliament के point की बात करोगे, ध्यान देना. मैंने बताया था कि in the city, मतलब कि at church, at St. Paul Church in the city of Frankfurt in Germany, the national, the liberal. The liberal of Germany assembled here, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं. They decided to accept that is a democratic, मतलब एक constitutional system, एक parliamentary system को उन लोगों ने accept किया. हम इसको decide करेंगे. और which was later में known as the Frankfurt Parliament. उन लोगों ने they elected 831 representatives to govern over there. इसके बाद conditions क्या होता है? कि they offer the crown. किसको crown ये offer किया गया? To Frederick Wilhelm IV. Frederick Wilhelm IV, who was the king of Prussia. But did he select, did he accept or reject this proposal? He rejected this proposal completely. And with the help of other monarch, he disbanded. Yes, is this parliamentary system, but the national assembly. At last, क्या हुआ? At last, the conservative accepted some demands of the liberals, which were changing. But according to conservative, changes should be made, but in a slow movement. और इसके बाद क्या हुआ? हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे यूनिफिकेशन की तरफ. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कैसे हुआ? तो दो क्लासेस हम लोग और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फुल एंड फाइनल खत्म हो जाएगा. आप लोग घर पे एनसीईआरटी बुक पर रीड कर लेना और जो हम लोगों ने वर्कआउट किया ये फुल एंड फाइनल है. ठीक है, तो इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेंगे. एनी डाउट? बच्चा लोग एनी डाउट? सर सिलेशिया मूवमेंट बता दीजिएगा. सिलेशिया मूवमेंट पूछेगा फिर से? यस सर. बच्चे मैंने क्या बताया, सिलेशिया में लगभग 18,000 लोग हैं. दे आर 18,000 पीपल, अबाउट 18,000 पीपल हुज टोटल एक्टिविटीज वर कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैश फ्रीविंग. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड देम रॉ मटेरियल्स व्हिच वर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय देम. ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि द वीवर जो थे उनको ज्यादा वर्क करना पड़ता था, पेमेंट उनका कम था. कंडीशन आगे क्या हुआ? पेमेंट कम है, वर्क ज्यादा है, तो वो लोग क्या करते? 4 June 1845 को इकट्ठे होते भैया और चले जाते कंट्रेक्टर के घर की तरफ. भैया को डिमांड क्या था उनका? क्लियर है, कोई भी बता सकते उनका डिमांड क्या होगा? वर्क कम करो, पेमेंट ज्यादा करो. वर्क कम, पेमेंट ज्यादा, ये पॉइंट था उनका. कंडीशन क्या थे? कॉन्ट्रेक्टर ने क्या
बातों को एक्सेप्ट किया, क्या इसके प्रपोजल, ये जो कॉन्ट्रेक्टर का जो प्रपोजल कॉन्ट्रेक्टर बोर्ड में, ये जो वीवर का प्रपोजल था उसको कॉन्ट्रेक्टर ने एक्सेप्ट किया? नो, रिजेक्ट किया। प्लस सोल्जर्स को बुला के गोलीबारी करवा देता है, जिसमें आपने लगभग 11 वीवर जो थे उनको गोली लगती है और ये मूवमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सिलेशिया मूवमेंट। एनी प्रॉब्लम सर? लास्ट पॉइंट। क्या लास्ट पॉइंट? अरे गोली लगती है, 11 बंदे मर जाते हैं, मूवमेंट खत्म। नहीं समझे सर? एक बार और बता दीजिए। क्या बता दे बोलो तुम? अब इसमें क्या बताना है, कुछ बताने लायक नहीं है। मैंने बताया सिलेसिया में 18,000 लोग हैं, ठीक है, सबका काम विविंग का है। विविंग का काम है कॉन्ट्रेक्टर इनको रॉ मटेरियल देते हैं, इसको फिनिश गुड्स के रूप में कन्वर्ट करके लोग वापस देते हैं, ठीक है। दूसरा है कि वीवर जो है इनको वर्क ज्यादा करना पड़ता है, पेमेंट कम मिलता है, इसके अगेंस्ट में वो लोग मूवमेंट करते हैं। ये लोग 4 जून 1845 को कॉन्ट्रेक्टर के घर के पास जाते हैं, भैया हमारा पेमेंट ज्यादा बढ़ा दो, अब वर्किंग आवर कम कर दो। लेकिन कॉन्ट्रेक्टर ने इसको रिजेक्ट किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 11 वीवर को गोली लगती है, वो लोग घर के भाग लेते हैं और ये मूवमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक और नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक। ओके, एंजॉय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।